अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय व्यूअर्स, होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी चंद रेसिपीज़ जो कि मैंने बनाई थी, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। इट्स वेरी इजी, और वीडियो शूट करना और रेसिपी भी बनाते रहना तो इट्स टू हार्ड फॉर मी। बच्चों के साथ सारे काम करना, दावत थी मेरे घर में तो सारे काम मुझे ही करने होते हैं। सो बिज़ी लाइफ थी, टफ रूटीन था, पर फिर भी मैंने कोशिश करी आप लोगों के साथ शेयर करने की। तो ये मैंने मिल्क, सबसे पहले मैंने मेयोनीज लिया है, उसका पूरा मैंने पाउच इसके अंदर डाल दिया है। देन मैंने ये पैकेट लिया है मिल्क पैक का। जो मिल्क पैक एंड ऑल पर्स की क्रीम अच्छी होती है, अदरवाइज़ मैंने कोई यूज़ नहीं करी तो मुझे नहीं पता, मैं इसके अलावा कोई क्रीम यूज़ नहीं करती। देन मैंने इसके अंदर थोड़ी सी शुगर डाली है, 2 टेबल स्पून। मैंने इधर ये एप्पल्स और कुकम्बर और मतलब ये हरी प्याज सब जगह काट काट के रख ली है। ये मैंने काली मिर्च डाली। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ रशियन सैलेड अपने स्टाइल के साथ, कि मैं किस तरह से तैयार करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो देखते हैं कि मैं क्या क्या डालती हूँ और मेरी रेसिपी क्या है। मैंने बहुत अच्छे से बीट कर दिया है, बहुत अच्छे तरीके से ये मैंने खेल लिया है। अब इसको मैं ओपन कर रही हूँ आपके सामने। ये फ्रूट कॉकटेल है, इसके अंदर तकरीबन अच्छे से आ गए थे जो पाइनएप्पल मिला था मुझे। कोशिश मैंने करी थी अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करने की अपने गेस्ट के लिए, जो जो मैं कर सकी थी। और सर्दियों का टाइम है और बहुत बिजी जो है शेड्यूल हो गया है, बच्चों के पेपर्स हर मंथ होते हैं तो अपन को पढ़ाना भी होता है, तो वीडियो शूट करना और एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और मैंने काफ़ी वीडियोस के लिए सोचा हुआ है कि बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी, पर बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिलता। ये मैंने इसके अंदर निकाल लिया है, और ये वाइट वाइट से जो हैं कोकोनट्स हैं। एक बाउल ले लीजिए, अब उसके अंदर कुकम्बर, एप्पल्स, सारे एप्पल्स डाल दीजिए। मैंने अलग ही पोटैटो जो हैं वो काट के रख लिए थे बॉयल करके, और फिर मैंने उसको भी इसके अंदर डाल दिया है। कुकम्बर डाल दिए हैं, पोटैटोज़ डाल दिए हैं, एप्पल डाल दिए हैं, कॉर्न हो तो आप वो भी इसके अंदर डाल दीजिए। अब मैंने सारे इस पर पाइनएप्पल जितने भी जो फ्रूट कॉकटेल था वो पूरा डाल दिया। अब ये मैंने जो पेस्ट तैयार किया था वो इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, पर क्योंकि मेरा ये बाउल छोटा हो गया है और सामान ज़्यादा हो गया, तो मैंने सोचा यार अच्छे से करने के लिए मुझे अपना बाउल चेंज करना होगा। तो मैंने अच्छे से इसे मिक्स किया है, फिर भी मुझे लग रहा था कि नहीं यार ये जो है अभी भी ज़्यादा ही हो गया है, तो मैंने इसके लिए बाउल लिया दूसरा और उसमें अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी आपकी ये रशियन सैलेड अच्छी लगती है। ये बहुत ज़्यादा, और उसके अंदर मैंने ये मैक्रोनी बॉयल करके रखे हुए थे, अच्छे से सब सेटिंग करके रख ली थी, सिर्फ मैंने इसके अंदर सब चीज़ें मिक्स करी थी। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर लिए कोई गैस की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मैक्रोनी के लिए होती है, वो मैंने करके पहले ही रख लिए थे। तो अगर आपकी जब गैस नहीं आ रही हो तब इसे बना सकते हैं, क्योंकि गैस का इशू तो सब जगह ही है। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर बनानास डाल दिए हैं, उसको भी मैंने मिक्स कर दिया है आपके सामने, और यकीन मानेंगे इतनी मज़े की होती है कि बस। ये फिर अब मैंने इसको वापस एक बाउल में कर रही हूँ शिफ्ट। अब उसके अंदर मैं इसको पैक कर दूँगी ताकि मेरा उस टाइम का काम कम हो जाए। अब मैं इसको सिर्फ पैक करूँगी और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, ताकि बस जब मेहमान आए, गेस्ट आए, उस टाइम सिर्फ मुझे ये लगाना होगा। मैंने ये तैयार कर लिया था, आप लोग भी इस तरह से शीट्स ला के ये रख लें, अच्छे काफ़ी अच्छा लगता है ये और सेफ रहता है। फिर मैंने चटनी करी थी, तो ये मैंने पुदीना काट लिया था, सारा मैंने तोड़ लिया था और धो रही थी, और इसमें सब मैंने चीज़ें हरी मिर्चें भी मैंने कर ली थी, और फिर ये धनिया भी था इसके अंदर। और ये देखिए, अच्छे से धो लें आप ताकि जो भी मिट्टी वगैरह हो वो सब निकल जाए, अच्छे से करके इसके अंदर। फिर मैंने सारे इसके इंग्रेडिएंट्स डाल दिए थे, जो कि नमक, ज़ीरा और हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, लहसुन, ये थी इसके अंदर। इन सबको अच्छे से मैंने करके आप उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला के मैंने चटनी तैयार कर ली थी पूरी, और बहुत मज़े की चटनी थी ये हरी मिर्चें। अच्छा, हरी मिर्चें आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अगर आप लोग ज़्यादा तेज़ मिर्चें खाते हैं तो आप उस हिसाब से, और अगर कम खाते हैं तो कम डालिएगा। लहसुन मुझे ज़्यादा पसंद है, मुझे उसका टेस्ट, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन डालती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए,
ये मैंने चटनी तैयार कर ली है और चटनी बहुत मज़े की है। ये रायते के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चटनी हो गई थी हमारी तैयार, फिर मैं बना रही थी फ्रूट ट्रैफल। तो फ्रूट ट्रैफल के लिए मैंने जल्दी जल्दी पहले एक अच्छा सा एक बाउल रखा, देन मैंने उसके अंदर मैंने केक रखे अच्छे से। पहले से ही मैंने कटिंग करके रख लिए थे। कटिंग उस टाइम करनी चाहिए जब आपके पास बैठे हुए हों, तो आप पहले सबसे सारे सब चीज़ें पहले ही कट करके रख लें, ताकि उस वक्त के लिए आसानी हो जब आप फ्रूट ट्रैफल या कोई भी सैलड वगैरह बना रहे हों। आराम से आप सेटिंग अच्छी हो जाती है, जल्दी हो जाता है काम। ये वो काम है जो कि आपके टाइम को सेव कर देते हैं। तो कटिंग पहले से ही करके रख लेनी चाहिए सारी चीज़ों की। और फिर मैंने ये इसमें कस्टर्ड डाल दिया था। मेरे हिसाब से थोड़ा सा कस्टर्ड और होना चाहिए था, पर क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम था तो मैंने इसी को अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाया था कि वो और मज़े का मतलब हो गया था, कहीं कमी महसूस नहीं हुई थी। तो इसके अंदर फिर मैंने एप्पल्स डाले थे, पहले से काट के ही रखे हुए थे तो मैंने एप्पल्स डाले। और फिर इसके अंदर मैंने जितनी भी चीज़ें डाली, पहले से ही मैंने जेली बना के रख ली थी। अब आपके ऊपर है कि आप जितनी कलर्स की जेली डालें। फिर मैंने इसके अंदर बनानास डाल दिए थे और फिर केक डाल दिया, एप्पल डाल दिए, बनाना डाल दिए। अब इसके ऊपर मैंने नट्स डाले हैं और किशमिश, मैंने मुझे किशमिश बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे बादाम भी बहुत पसंद है इस तरह से। और जो अगर नहीं खाते तो उसके लिए अलग से तैयार कर दिया करें, ताकि किसी को प्रॉब्लम पेश ना आए। फिर मैंने इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल डाला है और इसके अंदर बहुत अच्छे से मैंने एक मिल्क पैक की क्रीम डाल दी है। अच्छा, चाहें तो आप विप करके अच्छे से उसके ऊपर डाल दें, या फिर आप इस तरह से ऊपर करके अच्छे से कर लें ताकि वाइट और उसका कलर आए। मुझे ऐसी अच्छी लगती है तो मैं इसी तरह से डालती हूँ। जो अलग अलग तरह की आती है, जो टेस्ट आता है बीच में, इसका बहुत मज़ेदार होता है। फिर मैंने इसको बहुत अच्छे से मिला लिया था। सब चीज़ें मिलाने के बाद मैंने इसके अंदर जेली डाल दी थी बहुत अच्छे से। और जेली मैंने दो कलर की डाली थी, ग्रीन एंड रेड। आप येलो डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। फ्रूट ट्रैफल तैयार हो चुका है। इस पर भी मैंने रैपिंग करके इसको फ्रिज में रख दिया था। देन ये मैंने रायता लिया और मैंने दही में बस वो चटनी मिक्स करी है, देन ये रायता बन गया है। और मैंने इसको भी पैक करके फ्रिज में रख दिया था। और फिर उसके बाद मैंने एक जगह पुलाव, एक जगह पाई, मतलब पाई का सालन था। तो ये मैंने पुलाव के लिए ब्राउन प्याज की है, और फिर उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक, फिर यखनी, और जो मैंने देसी मुर्गी का पुलाव बनाया था वो हरी मिर्चें। और मैंने एक काम मैं करती हूँ कि मैं जो पुलाव की रेसिपी है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड था तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत देखी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड बाय बाय।